नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। अब आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एजुकेशन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, जो कि फॉर्म फिलअप हो चुके हैं संस्कृत टीचर और जनरल टीचर के। कौन कौन से फॉर्म है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी फीस है, सारी डिटेल शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एजुकेशन की। यहाँ से आपने यहाँ जैसे क्लिक इस पर किया तो ये पोर्टल सेम पोर्टल आपको ओपन होता दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लिक किया तो अप्लाई टीचर लेवल 1 एक जुलाई से 20 जुलाई के बीच में फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी देख सकते हो आपके पास 14 दिन शेष पड़े हैं। यहाँ पर आपको टॉप में बिल्कुल एक देखने को मिल जाएगा टीचर, डाउन में बिल्कुल टीचर लेवल फर्स्ट क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक संस्कृत और जनरल रिक्रूट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको पूरी डिटेल देखने को मिल गई। जनरल टीचर की अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो 23 पोस्टिंग, और जनरल टीचर गैर अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो 108 पोस्ट हैं। इसी तरह संस्कृत टीचर की बात करें तो 40 पोस्ट हैं अनुसूचित जाति के लिए, नॉन अनुसूचित के लिए, गैर अनुसूचित के लिए 101 पोस्ट हैं। कितनी है जी, 101 पोस्ट हैं टोटल में। आपको बता देते हैं, ये देख सकते हो आपको करीबन ये पोस्टें, ये 272 पोस्टें टोटल में आपको देखने को मिल गई हैं। इसमें फॉर्म फिलअप होने आपके 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं जी, 20 जुलाई लास्ट डेट है, और एप्लीकेशन प्रिंट की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है, और ऑनलाइन फीस आप 20 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें किसकी कितनी पोस्टें हैं, और उससे पहले अगर आप कोई क्वेरी चाहते हो, हेल्प नंबर डिटेल चाहते हो तो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हो। विज्ञप्ति यानी कि जो विज्ञापन आया उसके रिलेटेड, अगर कोई पेमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यहाँ से, अगर एप्लीकेशन में इशू के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। बात करें तो यहाँ पर आप पहले बात करें तो TSP लेवल के लिए बात करें अनुसूचित जाति के लिए, तो ये पूरे का पूरा PDF डाउनलोड हो रहा है जी। ठीक है, यहाँ से इसी तरह अगर गैर अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो गैर अनुसूचित जाति के लिए भी आप यहाँ से पूरे का पूरा फॉर्म डाउनलोड करके अपना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो भी आपके लिए किसकी कितनी पोस्ट हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो, जिसमें कैटेगरी नंबर एडवर्टाइज नंबर 1/2022 है, और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है। और इसमें ये जरूर है जी, वरिष्ठ उपाध्याय से आपकी 50% से डिप्लोमा या वरिष्ठ उपाध्याय आपकी डिग्री होनी जरूरी है। 272 पोस्ट हैं जी, और रीट 2021 का आपका एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए, ये चीज़ जरूर नोटिस रखिएगा। 30-40 हज़ार पे स्केल आपको मिलेगा, 1 जुलाई से शुरू है जी, 20 जुलाई लास्ट डेट है, 150 रुपये फीस है। ये सारे का सारे डिटेल आपको बता दिए। फीस जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 150 रुपये, इकोनॉमिक विकास सेक्शन OBC अगर और BC राजस्थान के लिए 110 रुपये, SC ST कैंडिडेट अगर राजस्थान के तो 90 रुपये फीस। इसमें मेन बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो संस्कृत के लिए अप्लाई करना है तो आपको वरिष्ठ उपाध्याय 50% से डिग्री पास होनी चाहिए, और 2 साल का आपका डिप्लोमा, या फिर आपका वरिष्ठ उपाध्याय विद 50% से आपकी पास होनी चाहिए, प्लस में 4 साल की BEd होनी जरूरी है डिग्री, और रीट एग्ज़ाम 2021 तो दोनों कंडीशन में होना जरूरी है जी। 141 पोस्टें मिल जाएंगी, इसमें गैर अनुसूचित और अनुसूचित की आप अलग से देख सकते हो। और इसके बाद जनरल की बात करें, जो कि जनरल टीचर है वो तो संस्कृत टीचर की है, ये जनरल टीचर में डिग्री कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल टीचर में आप चल जाएगी। ठीक है जी, अगर आपके पास डिग्री कोई भी चल जाएगी, 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, और इसमें 12वीं या फिर और साथ में 12वीं पास आपकी 50% से हो, या 2 साल का डिप्लोमा तो भी चल जाएगा। इसमें भी रीट का लेवल 1 पास एग्ज़ाम क्लियर मांगा हुआ है, 131 पोस्ट हैं। एक डिटेल दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो।
यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ अपने डाउनलोड लगाई थी, पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पर पीडीएफ में आपको सारी की सारी 209 जैसे पोस्ट हैं, ये आपने पहली पहली खोली है पोस्ट जी, गैर अनुसूचित की जो संस्कृत की है, ठीक है, संस्कृत और सामान्य की गैर अनुसूचित की है, अनुसूचित जाति की भी इसी तरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सारी की सारी आपको सीटों की डिटेल, सारी आपको कब से अप्लाई कर सकते हो, कितनी फ़ीस रहेगी, फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर 150 रुपये फ़ीस है जी, ठीक है, और किसको क्या बेनिफिट मिलेगा, गैर अनुसूचित को कितना मिलेगा, अनुसूचित जाति को, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही है भी राजस्थान में सेम आपको क्या लें रिलैक्सेशन मिलती है, जो कि एज पर द गवर्नमेंट रूल है, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी आपकी 50% से होनी जरूरी है ये पास आउट, और 2 साल का आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना जरूरी है, विदाउट एलिमेंट्री एजुकेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये देख सकते हो। एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा दोनों में ही होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा जी टीचिंग के लिए पहले भी फॉर्म आए थे 1.5-2 महीने पहले, तो उसमें भी टीचिंग एलिमेंट्री के डिप्लोमा मांगा था, इसमें भी मांगा हुआ है, ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको शेयर कर चुके हैं, ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों मिलते जुलते नोटिफिकेशन है सारे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं जी एज लिमिट के बारे में, 18 से 40 साल एज लिमिट आपकी मांगी है, कितनी जी, 18 साल कम से कम, 40 साल लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जुलाई तक। इसमें पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल रहेगा। ज़्यादा जानकारी आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ले सकते हो ऑफिशियल नंबर्स पर कन्फर्म करके, ठीक है। अब बात करें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इसमें आपको ये मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दी है, यहाँ से आपको यहाँ पर अप्लाई ये देख सकते हो टीचर लेवल फर्स्ट, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है जी। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपसे SSO ID मांगेगा, अगर किसी के पास SSO ID है तो उसी से ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो इजी वे में। अगर SSO ID नहीं है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, SSO ID डालिए, पासवर्ड डालिए और अपना कैप्चा डाल के फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन भामाशाह या जनधार या गूगल से आप कर सकते हो, डेमो आपको दे दिया गया है, ठीक है जी। उद्योग से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है जी। और ये लास्ट डेट आपको सारी की सारी हमने इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो, डायरेक्टली लिंक भी आपको सारे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, अगर इसी तरह की अगर बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए, इसमें संस्कृत और जनरल टीचर की अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।